बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? उम्मीद कर तुम सब लोग खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मौसम नहीं रहूँ। तो जी दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है मैकेनिकल एब्रिविएशंस के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैं जो है ना वो पूरे मैं एब्रिविएशंस नहीं बता सका, तो जो बच गए थे मैंने सोचा आज दोस्तों की खिदमत में पेश कर दूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, जो पहला एब्रिविएशन है वो होता है ये है कि जे एस ए जो होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे, मेरी तरफ से तो पूछा गया है। तो जे एस ए जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है, सिंपल ये आपसे बस जे एस ए मतलब आपसे वो क्वेश्चन करेगा, तो आपने उसको बताना है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जो हमारा अगला एब्रिविएशन है वो है एल एस आर। ये मतलब इसका मुखफ़ यह है यूँ है कि लाइफ सेविंग रूल्स। ये हर प्लांट के अलग ही होते हैं, लेकिन वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा जी LSR क्या होते हैं, तो आपने उसको जवाब देना है कि जी ये लाइफ सेविंग रूल्स होते हैं, ये आपके प्लांट के मुताबिक होंगे। यानी हर प्लांट के ये अलग ही होते हैं, ऑयल एंड गैस के तो शायद मिलते जुलते होंगे, उसके अलावा जो है ना हर प्लांट के अलग ही होते हैं। जो हमारा अगला एब्रिविएशन है वो है LMRA। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जब आप जॉब कर रहे हों तो उसके बाद जो है ना सेफ्टी वाला आपसे आकर ये क्वेश्चन कर सकता है जी LMR क्या होते हैं। तो LMR जो है LMRA ये लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट होता है। यानी जॉब शुरू करने से पहले जो आपने जो है ना अपने जॉब के बारे में सोचना है कि उसके कैसे करना है सेफ्टी के साथ, उसके अलावा इसका क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए जिससे ये जल्दी भी हो जाए और सेफ़ तरीके से भी हो जाए। तो ये LMRA लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट, यानी ये जॉब शुरू करने से पहले हम जो है ना वो करते हैं। जो हमारा अगला जो एब्रिविएशन है वो बहुत ही आसान है, PTW परमिट टू द वर्क होता है। उसके अलावा जो हमारा अगला एब्रिविएशन है वो है SCH, यानी ये भी आसान है। तो SCH यानी शेड्यूल, इसको हम शेड्यूल बोलते हैं, ये सिंपल SCH ही लिखा होता है, इसको हम शेड्यूल बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारा अगला एब्रिविएशन होता है वो होता है OPMS। तो OPMS है जो है ये एक प्लांट वालों का अपना एक सिस्टम होता है ऑपरेशन वालों का, लेकिन इसका जो मुखफ़ बनता है वो ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जी दोस्तों, अगला जो हमारा एब्रिविएशन है वो है जी BJ यानी बॉल जॉइंट। ये बहुत ही आसान होता है। इसके अलावा जो हमारा अगला एब्रिविएशन है वो आपने देखा होगा ड्राइंग पर एक लिखा होता है TYP यानी TYP यानी मतलब बाज़ लोग इसको कहते हैं जी ये इसकी टाइप है, ये टाइप नहीं होती, ये टिपिकल मेथड होता है एक, मतलब टिपिकल उसके मुताबिक होती है। तो TYP मतलब यूँ हो गया कि टिपिकल। जो हमारा अगला एब्रिविएशन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। यानी ये अमेरिका वालों की जो है ना एक अपना एक यूँ समझें भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के बारे में है। जो हमारा अगला एब्रिविएशन है वो है ASME, इसे हम ASME भी बोलते हैं। तो ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अक्सर देखा होगा जो मेरे भाई प्लांटों पे जो है ना काम कर रहे हैं कि वहाँ पे लिखा होता है ASME सर्टिफाइड। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की वो उससे अप्रूव होती है जो चीज़ जो फैक्ट्री बन रही होती है, बाज़ औक़ात ये वो इक्विपमेंट उनके पास आते हैं तो उस पर बाज़ औक़ात ये लिखा होता है ASME सर्टिफाइड। तो ये इसका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। उसके अलावा जो हमारा अगला एब्रिविएशन है वो है दोस्तों RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, फिल वक्त मैं इसका एब्रिविएशन आपको बता देता हूँ। RT मतलब होता है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। ये जब वेल्डिंग जॉइंट मुकम्मल हो जाता है ना तो ये उसके बाद करते हैं, ये अक्सर पे जो है लंच ब्रेक में ही इसको RT होती है। उसके अलावा इसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, तो ये जहाँ पे RT हो रही हो उस एरिया को जो है ना बैरिकेड कर दिया जाता है,
उसके अलावा अगर शटडाउन ना हो, शटडाउन के दिनों में तो ऐसा होता है, अगर शटडाउन ना हो, आम रूटीन में मेंटेनेंस वगैरह चल रही हो, तो आरटी जो है नाइट में की जाती है। तो उसके अलावा जो बात जो है, मेरे पास कुछ पेमैश के एब्रीवेशन हैं, मैंने सोचा ये भी दोस्तों को बता दूँ। तो सबसे पहला एब्रीवेशन है वो है FPS, फुट पाउंड सेकंड। इसके बाद जो हमारा अगला एब्रीवेशन है वो है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये भी एक मैश का जो समझे यूनिट है, यूनिट का एब्रीवेशन है। जो हमारा अगला है वो है CGS, सेंटीग्राम सेकंड। ये भी मैश का ये एक यूनिट है, तो ये उसका ही मुखफ़ है, मतलब CGS। जो हमारा अगला एब्रीवेशन है वो है जी PSI। ये जो हम प्रेशर बार जो होता है वो हम कई बाद पढ़ते हैं जी, ये PSI में है या बार में है। जो PSI है, प्रेशर स्केल पर इंच, इसका मुखफ़ है दोस्तों। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल वक्त इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह अगर मेरे पास कोई ऐसा एब्रीवेशन आ गया जो हमारी फील्ड के मुतल्लिक हो और हम लोगों के लिए जो है ना फ़ायदेमंद हो, तो मैं ज़रूर अपनी वीडियो में शेयर करूँगा। फिल वक्त इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें।